दोस्तों आप सबका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म राउडी हीरो यानी कि मारी। यह 2015 की तमिल एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय बालाजी मोहन। तो आज हम फिल्म को कुछ अलग तरीके से रिव्यू करते हैं, बात करते हैं कि इस फिल्म में आखिर ऐसा क्या है जिस वजह से आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। सबसे पहले तो जो इस फिल्म की कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी अलग हमको देखने को मिलती है, क्योंकि इस तरीके की जो फिल्में होती हैं गैंगस्टर वाली या गैंगवॉर वाली फिल्में, तो उसमें ज़्यादातर जो भी सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस या फिर एकदम टेंशन का माहौल दिखाया जाता है हमको फिल्म के अंदर, जबकि इस फिल्म में कुछ अलग ही तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलती है। फिल्म को सीरियस वे में नहीं दिखाया गया है, बल्कि थोड़ा सा फनी वे में हमको दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि एक तरीके से सही लगता है और फिल्म देखते समय इसी वजह से आपको मज़ा भी आएगा। साथ ही इस तरीके की फिल्मों में अपनी जितने भी लीड कैरेक्टर्स को देखा होगा, या तो वो बहुत अच्छे होते हैं या तो बहुत बुरे होते हैं। उनका पहनावा एक तरीके से टपोरी टाइप तो होता है, लेकिन उनका कैरेक्टर वैसा होता नहीं है। तो लेकिन इस फिल्म में आपको वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, बल्कि कुछ अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि फिल्म में हमें जो लीड कैरेक्टर दिखाया गया है मारी का कैरेक्टर, वो टपोरी टाइप भी दिखता है, उसकी भाषा भी वैसी है, वो बोलता भी वैसा है, उसकी सोच भी वैसी है। फिल्म में एक सीन भी है जहाँ पर वो खुद बोलता है कि मुझे गुंडा बोलती हो, मैं तो हूँ ही गुंडा। तो इस तरह के भी डायलॉग्स हैं फिल्म के अंदर में, जो कि उस कैरेक्टर को इस फिल्म के लिए परफेक्ट बना देते हैं। यहाँ पर इस फिल्म में जो एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि जितने भी आपने मसाला एक्शन फिल्में देखी होंगी वहाँ पर जहाँ तहाँ पर एक्शन शुरू हो जाता है, जिस वजह से हम प्रिपेयर नहीं रहते हैं इस तरीके के सीन्स के लिए। और इस वजह से काफ़ी सारे अपनी फिल्में देखी होगी जिसको देखते हुए आपको उस तरीके का मज़ा नहीं आता है, जबकि इस फिल्म में जितने भी एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं वो सही जगह पर और बिल्कुल परफेक्टली दिखाए गए हैं, और उसी वजह से फिल्म देखते हुए आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और जो एक्शन सीन्स है उसको आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे। इसके अलावा आपको इस फिल्म में एक ट्विस्ट भी देखने को मिलता है, जिस वजह से फिल्म की कहानी एक नया मोड़ ले लेती है, और आपने इस तरीके का कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा इस फिल्म में, जिस वजह से फिल्म का जो सेकेंड हाफ है वो और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। साथ ही साथ फिल्म में आगे किस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ये एक तरीके का एक्साइटमेंट आपके अंदर बना रहता है। फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो जितना बढ़िया जितना मजाकिया अंदाज में हमें दिखाया गया है, फिल्म का सेकंड हाफ में टेंशन का माहौल भी दिखाया गया है और अलग तरीके की चीज़ें भी, जैसा कि मैंने बताया कि फिल्म में एक ट्विस्ट भी आता है, और इसी वजह से फिल्म एक अलग तरीके का मोड़ ले लेती है और आपको फिल्म को देखते समय और भी ज़्यादा मज़ा आता है, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और उस तरीके की चीज़ें भी आपको फिल्म में देखने को मिलती जाती हैं। और आपको इस फिल्म में पप्पू पंछी और मारे के बीच का टेंशन, उनके बीच की दुश्मनी, एक दूसरे के लिए नफरत, ये भी आपको देखने को मिलेगी इस फिल्म में। और साथ ही साथ जो फिल्म के हिंदी डायलॉग्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा दमदार और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं, और इन दोनों का जब आमना सामना होता है उस बीच जो हमको डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और एक तरीके से परफेक्ट डायलॉग हमको सुनने को मिलते हैं। और फिल्म के हिंदी डायलॉग्स इतने ज़्यादा बढ़िया, इतने ज़्यादा दमदार हैं कि वो एक एक सीन में जान डालने का काम करते हैं। और एक आखिरी पॉइंट, जिस वजह से ये फिल्म एक अलग तरीके की फिल्म निकल कर आती है, और वो है लव स्टोरी। इस फिल्म में आपको एकदम अलग तरीके की लव स्टोरी देखने को मिलती है, जो कि आपने पहले नहीं देखा होगा। इस फिल्म में जो लीड कैरेक्टर है यानी कि मारी का कैरेक्टर और जो हंसनी का कैरेक्टर है, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा और इसके अलावा एक तरीके का प्यार भी, हालांकि वो प्यार है या नहीं है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर जो लड़का है वो पागलों की तरह लड़की के पीछे नहीं भाग रहा है, और जो लड़की है वो भी पागलों की तरह लड़की के पीछे नहीं भाग रही है। दोनों के बीच वो प्यार जैसा तो कुछ है, लेकिन वैसा नहीं है कि सब एक दूसरे के पीछे पागल की तरह भाग रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि एक अलग तरीके की लव स्टोरी हमको दिखाई गई है, और जिस वजह से दोनों ही कैरेक्टर अपनी जगह पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान खींचता है वो है मारी का कैरेक्टर, क्योंकि वो जो कैरेक्टर है उसका प्यार को लेके एक अलग ही तरीके का नज़रिया हमको देखने को मिलता है, जो कि इस कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा दमदार बना देता है। कभी कभी उसकी कुछ अच्छी बातें भी पता चलती है, कभी कभी हमें उससे नफरत भी होने लगती है जब वो लोगों से हफ्ता वसूलता है, उनको मारता पीटता है। कभी कभी हमको उसको अच्छा भी दिखाया गया है जब वो लोगों की मदद करता है, एक नरम दिल का इंसान भी दिखाया गया है, यानी कि एक तरीके से वो कैरेक्टर बुरा भी है, कैरेक्टर अच्छा भी है, उसकी सोच एक तरीके से अच्छी भी है तो एक तरीके से उसकी सोच बहुत बुरी भी है। तो इस तरीके का कैरेक्टर हमें दिखाया गया है, जो कि शायद आपको इससे पहले कभी भी किसी फिल्म में देखने को नहीं मिला होगा, और इसी वजह से ये फिल्म एक अलग तरीके की फिल्म निकल कर आती है, जो कि एक बहुत अच्छी देखने लायक फिल्म साबित हो जाती है। तो जहाँ तक बात रही कि आपको ये फिल्म देखनी भी चाहिए या नहीं, तो हाँ, ये फिल्म आपको देखनी चाहिए। कुछ अलग तरीके की कहानी आपको देखने को मिलती है, और इसके अलावा कुछ अलग ही तरीके की लव स्टोरी आपको देखने को मिलती है, एक अलग तरीके का कैरेक्टर हमको इस फिल्म में देखने को मिलता है, साथ में एक अलग तरीके का टेंशन का माहौल, गैंग वॉर, इसके बाद झगड़ा, नफरत, कुछ अलग तरीके की चीज़ें हमको इस फिल्म में देखने को मिलती है। साथ ही जो फिल्म का स्क्रीन प्ले है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा दमदार है इस फिल्म में वो है फिल्म के डायलॉग्स।
जो कि इस फिल्म को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देते हैं। साथ ही साथ फिल्म के एक्शन सीन्स वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। इसके अलावा फिल्म के कॉमेडी सीन्स भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, जो कि आपको हंसने पर मजबूर करते हैं। तो दोस्तों, जहां तक बात रही इस फिल्म को रेटिंग देने की, तो मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 7.9 आउट ऑफ 10 स्टार। बाकी अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो क्या सोचते हैं आप इस फिल्म के बारे में, मुझे आप कमेंट में जरूर बताएगा। और हाँ, कि ये फिल्म YouTube पर फ्री में अवेलेबल है, तो अगर आप चाहें तो इस फिल्म को देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल सुझाव तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी ऐसे मूवी के रिव्यू के साथ। जोहार।